राजू और सिख की बातें। बहुत पहले की बात है, इसरी बाजार नाम का एक छोटा सा शहर था। उस छोटे से शहर में एक स्कूल था। सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस स्कूल में रूपा और राजू नाम के दो स्टूडेंट थे। एक दिन रूपा क्लास में बैठी हुई थी, तभी राजू स्कूल के अंदर आता है और अपने सीट पर बैठ जाता है। रूपा उसे देखकर बोलती है, हेलो राजू। हेलो रूपा। गीता मेम क्लास के अंदर आती है और बच्चों को कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गीता मैम। वो क्लास में बच्चों को मैथ पढ़ाती थी। गीता मेम कहती है, बच्चों आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आप लोग तैयार हैं? हाँ मैम, हम लोग तैयार हैं। तो बच्चों बताओ, 8 × 7 कितना होता है? रूपा और राजू दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं। गीता मेम रूपा से पूछती है, रूपा तुम बताओ 8 × 7 कितना होता है? मैम 56। ये सुनकर गीता में बहुत खुश होती है और रूपा को बोलती है, वेरी गुड रूपा। राजू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने भी हाथ उठाया, पर गीता मेम ने उससे जवाब नहीं पूछा। राजू मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था और कह रहा था, गीता मैम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती है, उन्होंने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया। शायद मैम मुझे पसंद नहीं करती, मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे मैथ क्लास पसंद नहीं है। तभी स्कूल बेल बज जाता है। गीता मैम क्लास से बाहर चली जाती है। रूपा राजू से कहती है, आज मुझे गीता मैम की क्लास बहुत अच्छी लगी, मैंने गीता मैम की क्लास बहुत एंजॉय किया। राजू गुस्सा होकर कहता है, मुझे मैथ क्लास पसंद नहीं है। क्या, तुम्हें तो हमेशा से मैथ पसंद था, लेकिन अब तुम बोल रहे हो तुम्हें मैथ क्लास पसंद नहीं। क्या हुआ राजू, क्या तुम मुझे बता सकते हो? गीता मैम मुझे कभी जवाब देने नहीं देती। मुझे जवाब पता था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। नहीं राजू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता मैम हमेशा हर किसी को मौका देती है। वो सभी स्टूडेंट को मौका देती है और किसी से भी जवाब पूछ लेती है। इसके अलावा मैंने सही उत्तर दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। तुम भी सही उत्तर जानते थे, बस मुझे मौका मिल गया। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सही जवाब जानते थे। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। वह रूपा से माफी मांगते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो रूपा, मुझे खेद है कि मैंने इस तरह का व्यवहार किया। सभी बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। गीता मेम क्लास के अंदर आती है और बोलती है, बच्चों आज हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे, कौन बताएगा कि 100/10 कितना होता है? इस बार फिर से रूपा और राजू ने हाथ खड़े किए। गीता मेम ने राजू से पूछा, अच्छा राजू तुम बताओ 100/10 कितना होता है? मैम 10। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। राजू बहुत खुश होता है। वह रूपा की ओर देखता है और मुस्कुराता है। रूपा भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। कहानी से सिख। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सिख मिली? हमें ये सिख मिली कि हमें नाराज नहीं होना चाहिए और अपने टीचर पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे टीचर सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं और सभी को एक समान मौका देते हैं।
अपने माता पिता शिक्षक और बड़ों के आज्ञा का पालन कीजिए। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में।